हे गाइस, दिस इज सागर कुलश्रेष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल श्रेष्ठा इंडिया एजुकेशन। दिस इज प्रीवियस पेपर सीरीज फॉर यूपी टेट 2017 प्रिपरेशन एंड टुडे वी आर कवरिंग सेकेंड लैंग्वेज ऑफ यूपी टेट एग्जाम विच इज इंग्लिश। वी विल डिस्कस द पैटर्न, द टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द पेपर एंड द एक्सप्लेनेशंस। आई हैव डिवाइडेड दीज इंग्लिश क्वेश्चन ऑफ 2015 पेपर इन टू पार्ट्स एंड टुडे यू आर वॉचिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंग्लिश सीरीज। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल श्रेष्ठा इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। शुरू करते हैं इस वीडियो के पहले सवाल और 2015 एग्जाम के 61वें सवाल से। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। वी ब्लैंक स्पेस द मैटर यस्टरडे। एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन वन डिस्कस्ड अबाउट, ऑप्शन टू डिस्कस्ड ऑफ, ऑप्शन थ्री डिस्कस्ड एंड ऑप्शन फोर डिस्कस्ड वेल। चारों ऑप्शन में डिस्कस्ड यूज हुआ है, यानी कि सेकेंड फॉर्म यूज हुई है डिस्कस की। और हमारा सेंटेंस है वी खाली जगह द मैटर यस्टरडे, कल की बात है, हमने कल मैटर डिस्कस किया था, इसकी हिंदी ये होगी। तो डिस्कस जो होता है वो अपने आप में उसका मतलब होता है टू टॉक अबाउट समथिंग। तो अलग से डिस्कस में अबाउट लगाने की या कोई और प्रपोजिशन लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मुझे कोई और प्रपोजिशन लगानी भी है डिस्कस के फॉर्म के साथ, तो मुझे फॉर्म बदलनी पड़ेगी उसकी। जैसे अगर मैं कहूँगा डिस्कशन ऑन द मैटर तो चल जाएगा, तो वी विल हैव डिस्कशन ऑन द मैटर, तो वो डिस्कस नहीं रहा, वो डिस्कशन हो गया, नाउन हो गया। लेकिन यहाँ वर्ब है तो वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगती है डिस्कस के साथ, क्योंकि डिस्कस अपने आप में ही टू टॉक अबाउट होता है, किसी के बारे में बात करना, इस मामले पर बात करना। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन तीन डिस्कस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज। द डीफ लर्न टू कम्युनिकेट विद वन अनदर ब्लैंक स्पेस साइन लैंग्वेज। यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज भरने को बोला है खाली जगह में, सेंटेंस में। सेंटेंस हमारा है जो बहरे लोग होते हैं वो कम्युनिकेट करना सीखते हैं एक दूसरे से खाली जगह सांकेतिक भाषा। तो यहाँ आप कॉमन सेंस लगा लोगे, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसे हिंदी या अपनी जो भी लैंग्वेज आपकी है उसमें सेंस निकाल के देखिए उसका। तो यहाँ सेंस यही होगा कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से जो बहरे बच्चे होते हैं आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर खाली जगह में आएगा के माध्यम से। तो देख लेते हैं के माध्यम के लिए बेस्ट सूटेबल प्रीपोजिशनल फ्रेज इन ऑप्शंस में से कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन नहीं होगा। बाई मीन्स ऑफ का मतलब होता है द्वारा या के माध्यम से, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है सूटेबल ऑप्शन है। इन स्पाइट ऑफ के बजाय, ये भी के माध्यम के आसपास नहीं है। ऑप्शन फोर बट फॉर, बट फॉर का मतलब होता है फिर भी, तो फिर भी के माध्यम के आसपास नहीं है। तो सांकेतिक भाषा के माध्यम से यहाँ पर यूज होना है, तो यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन टू, यानी कि बाई मीन्स ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इनंडेट। ऑप्शंस आर ऑप्शन वन टू फ्लड, ऑप्शन टू सिंक, ऑप्शन थ्री वाटर डाउन, ऑप्शन फोर पास बाय। इसमें सिनोनिम बताना है जो वर्ड दिया हुआ है इनंडेट का। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, पहले जान लेते हैं इनंडेट क्या होता है, आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आने वाली सीरीज में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट एंटोनिम, इंपॉर्टेंट सिनोनिम, इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो आपके आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी कुछ सीख लेते हैं पेपर के माध्यम से। इनंडेट का मतलब होता है ओवरवेलम विथ थिंग्स, पार्ट देना चीज़ों से, सैलाब ला देना, बाढ़ ला देना, है ना। और इसके जो एक सिनोनिम और बता रहा हूँ आपको, वो डिल्यूज होता है, तो ये आप याद कर लीजिए। पहला ऑप्शन है टू फ्लड, बाढ़ ला देना, हाँ कुछ मैच कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है सिंक, डूब जाना, नहीं मैच कर रहा। तीसरा ऑप्शन है बाटर डाउन, मार गिराना, भी यहाँ मैटर नहीं कर रहा है। चौथा ऑप्शन है पास बाई, यानी कि पार कर लेना, ये भी सूटेबल ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा यहाँ का, वो होगा टू फ्लड, यानी कि डिल्यूज, यानी कि इनंडेट, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गर्ल चाइल्ड ल्यूसी इज इन पोएम्स रिटन बाय। ऑप्शन वन जॉन कीट्स, ऑप्शन टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन थ्री विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन फोर पी वी शेली। दोस्तों आपने बचपन में लूसी ग्रे बहुत पढ़ी हुई है, ये गर्ल चाइल्ड लूसी थी, इस पर 5 पोएम्स का कलेक्शन भी है। तो बता देता हूँ आपको, ये लिखी गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत फेमस पोएट रहे हैं, जो कि बोला जाता है कि रोमांस और नेचर को बहुत अच्छा लिखते थे, इन्होंने लूसी ग्रे के कलेक्शन ये लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो हमारा पहला ऑप्शन है जॉन कीट्स, वो 25 ईयर ओल्ड थे तभी एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद इनका नाम बहुत है पोएम्स में, इनके मरने के बाद बहुत फेमस हुए ये रोमांटिक पोएम्स को लेके। उसके बाद विलियम शेक्सपियर को कौन नहीं जानता, थर्ड ऑप्शन जो हमारा है। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामाज लिखे, बहुत सारी पोएम्स लिखी। फोर्थ ऑप्शन है पी वी शेली, ये भी बहुत फेमस पोएट रहे हैं, 29 ईयर ओल्ड थे तभी एक्सपायर हो गए थे, ये भी रोमांटिक पोएम्स लिखते थे। तो हमारे यहाँ पूछा गया है लूसी किसकी पोएम्स में है, तो लूसी जो बच्ची थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि ऑप्शन टू की पोएम्स में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर। जो आदमी पिलर के पास खड़ा है मेरा बड़ा भाई है, इसका हिंदी अर्थ ये है। हमारे ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि इस पूरे सेंटेंस में से गलत वाला पार्ट कौन सा है।
तो जहाँ तक आप कॉमन सेंस से आप देखेंगे तो इसमें इनकरेक्ट पार्ट आपको लगेगा ही नहीं। द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू, जो इंसान खड़ा है पिलर के पास, इज माई ओल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिकी चीज़ है, यहाँ पर यूज़ हुआ है ओल्डर का यूज़ हुआ है। अब ओल्डर और एल्डर दो चीज़ आपने पढ़ी होंगी, इनका जो मीनिंग होता है ओल्डर और एल्डर का वो एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ यूज़ होना है। आपको मोटा मोटा अंदाजा देता हूँ जिससे आप गलती नहीं करेंगे अगली बार। जो हम एल्डर होता है वो प्रेफर करते हैं रिलेशन्स में, माई एल्डर सिस्टर, माई एल्डर ब्रदर। और जो ओल्डर यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं एजिंग ऑफ थिंग्स, यानी कि जो चीज़ों का समय बीतता जाता है, पुरानी होती जाती हैं चीज़ें। अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन, तो मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बिल्डिंग कितने समय पुरानी है वो दिखाने के लिए, या सबसे पुरानी है, वो मैंने ओल्ड का यूज़ किया। और एल्डर का मैंने यूज़ किया रिलेशन्स के लिए। तो यहाँ पर रिलेशन की बात हो रही है, माई ओल्डर ब्रदर लिखा हुआ है, तो माई ओल्डर ब्रदर की जगह होगा माई एल्डर ब्रदर। तो जो लास्ट पार्ट है वही इसका गलत है, इनकरेक्ट पार्ट है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा वो ऑप्शन फोर, माई ओल्डर ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ईडियम। आई ब्लैंक स्पेस ऑफ रमा एट द थिएटर बट शी डिड नॉट सी मी। ऑप्शन वन हेल्ड अ ग्लिम्स, ऑप्शन टू थ्री ओ ए ग्लिम्स, ऑप्शन थ्री वॉन्टेड अ ग्लिम्स, ऑप्शन फोर कॉट अ ग्लिम्स। यहाँ पर एक करेक्ट ईडियम भरना है आपको ब्लैंक स्पेस में। यहाँ पर इसका अगर आप हिंदी मतलब निकालेंगे अपनी मदर टंग में, तो देखेंगे कि मैंने रमा की तरफ कुछ किया एट द थिएटर, थिएटर में, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। या तो ये हो सकता है कि मैंने रमा की तरफ देखा या कुछ ऐसा, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में ग्लिम्स का यूज़ हो रहा है। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, यानी कि मैंने रमा की एक झलक देखी थिएटर में बट उसने मुझे नहीं देख पाया, इसका एक मोटा मोटा मतलब ये हुआ। तो झलक देखना को क्या बोलते हैं, एक झलक देखना या पकड़ने को, वो यहाँ पर बोलते हैं कॉट ए ग्लिम्स। ग्लिम्स के साथ में कॉट ए ग्लिम्स यूज़ होता है, पूरा इडियोमेटिक फ्रेज होता है। तो यहाँ पर हेल्ड ए ग्लिम्स सूटेबल नहीं है, थ्रू ए ग्लिम्स सूटेबल नहीं है, वॉन्टेड ए ग्लिम्स झलक देखनी चाहिए भी सूटेबल नहीं है क्योंकि मैं देख चुका हूँ। कॉट ए ग्लिम्स, मैंने एक झलक उसकी देख ली या पकड़ ली एक झलक, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। तो इस मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर कॉट ए ग्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट मॉडल। द विलेजर्स ब्लैंक स्पेस रीड एंड राइट देयर मदर टंग। ऑप्शंस आर ऑप्शन वन मे, ऑप्शन टू कैन, ऑप्शन थ्री शुड, ऑप्शन फोर विद। यहाँ पर खाली जगह में आपको मॉडल वर्ब भरनी है करेक्ट मे कैन शुड में से, और चौथा ऑप्शन विद, ये तो मॉडल वर्ब है ही नहीं तो ये चौथा ऑप्शन तो हट ही गया। द विलेजर्स, जो गांव वाले हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो अपनी ग्रामीण भाषा में लिख और पढ़ क्या करते हैं आप बताइए, सकते हैं या शायद लिख और पढ़ सकते हैं, या उन्हें अपनी मातृभाषा में लिखना और पढ़ना चाहिए। मे का मतलब हो गया शायद, कैन का मतलब सकते हैं, शुड और थर्ड ऑप्शन शुड यानी कि चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ एक पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र की खास बात, कि कोई भी बच्चा होता है इलिटरेट, जब पैदा हुआ आप स्कूलों से ले जा रहे हैं तो ये बोला जाता है कि उसे उसकी मदर टंग में आप सिखाइए, वो सारे टॉपिक सीख जाएगा कनेक्ट करके। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर ग्रामीण भले ही पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें अपनी ग्रामीण भाषा या अपनी लोकल लैंग्वेज आती है लिखना और पढ़ना। तो ये फर्म बात है, स्ट्रॉन्ग बात है, यहाँ शायद का या चाहिए का कोई स्थान नहीं है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन टू, द विलेजर्स कैन रीड एंड राइट देयर मदर टंग। तो ऑप्शन टू कैन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लाफ, निम्न में से कौन हंसता है। ऑप्शन वन गोट्स यानी बकरी, ऑप्शन टू हाइनाज यानी कि लकड़बग्गा, ऑप्शन थ्री लॉयंस यानी शेर, ऑप्शन फोर डियर यानी कि हिरन। मैं आपको बताता हूँ कुछ एनिमल्स या कुछ स्पीसीज हैं जो कि हंस सकते हैं, कुछ कुछ इंसान की तरह, कुछ इंसान से थोड़ा सा हटके। जैसे डॉल्फिन्स हैं वो हंस सकती हैं, सीटी बाद में बजाती हैं वो हंसने के, एक KEA की होता है, ये तोते की प्रजाति है, ये हंस सकती है। बाकी चिंपैंजी, ओरंगउटान, गोरिल्ला, ये जो स्पीसीज हैं ये हंस सकते हैं इंसान की तरह। चूहे हंस सकते हैं लेकिन इंसान पहचान नहीं पाते। डॉग्स हंस सकते हैं, कुत्ते यानी कि क्रो यानी कि कौए हंस सकते हैं। हाइनाज लकड़बग्गा का एक टाइप है, वो भी ही करके इंसान की तरह काफ़ी हद तक हंसता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं, गोट्स ये नहीं हंसते हैं, लॉयंस नहीं हंसते, डियर नहीं हंसते हैं, लेकिन जो हंसता है वो हंसता है हाइनाज। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन टू हाइनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क द सिनोनिम ऑफ द गिवन बर्ड कारकस। आपको कारकस शब्द के सिनोनिम दिए हुए ऑप्शंस में से ढूंढना है कि कौन सा सिनोनिम कारकस का है। आपको सिनोनिम एंटोनिम याद करने पड़ेंगे, बाकी मैं इंपॉर्टेंट आपको आने वाली सीरीज में बता दूंगा। यहाँ जान लेते हैं कारकास क्या होता है सबसे पहले, अगर आपको पता होगा तभी आप लगा पाएंगे। डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, कोई भी डेड बॉडी से रिलेट करता हुआ यहाँ शब्द होगा अगर, तो आप इसे लगा सकते हैं सही आंसर। जो पहला ऑप्शन है बल्क, बल्क का मतलब होता है बड़ी वॉल्यूम में कोई चीज़, तो ये सूटेबल ऑप्शन नहीं है। दूसरा है फेडरेशन यानी ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन विद स्मॉलर डिवीजन, तो ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं है। तीसरा है क्वालिटी यानी गुणवत्ता, और चौथा ऑप्शन है कॉर्प्स यानी डेड बॉडी। तो ये मैच कर रहा है आपके कारकास से, बस कॉप्स और कारकास में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। जो कारकास होता है वो प्रेफर करते हैं हम डेड बॉडी एनिमल की जब होती है तब,
और जो कॉस्ट होता है वो हम डेड बॉडी इंसान की होती है, ह्यूमन की, तब हम प्रेफर करते हैं। तो यहाँ जो सिनोनिम होगा कारकस का वो होगा ऑप्शन 4, कॉप्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही वॉज टायर्ड एंड इल एंड ब्लैंक स्पेस ऑन द स्टेयर्स एंड फेल ऑल द वे डाउन। और ऑप्शन आर स्टम्बल्ड, ऑप्शन 2 स्ट्रक, ऑप्शन 3 स्टम्ड, ऑप्शन 4 स्टीयर्ड। आपको खाली जगह में एक शब्द बेस्ट जो होगा वो भरना है। वो थका हुआ था और बीमार था, एंड ब्लैंक स्पेस ऑन द स्टेयर्स, उसे सीढ़ियों पे कुछ हुआ, एंड फेल ऑल द वे डाउन, और नीचे तक वो लुढ़कता हुआ पहुंच गया। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, मतलब लगाइए कि सीढ़ियों पे क्या होता है जब आदमी गिरता है, गिर जाता है, बीमार भी होता है, तो वो आमतौर पर लड़खड़ा जाता है, तब गिर जाता है। तो ऑप्शंस क्या हैं? जो ऑप्शन एक है उसका मतलब होता है ट्रिप या लूज बैलेंस, स्टम्बल्ड। ऑप्शन 2 जो है स्ट्रक, इसका मतलब होता है हिट, टकरा जाना, तो सीढ़ियों पे तो टकराने लायक कोई चीज़ है नहीं है। ऑप्शन 3 है स्टम्ब्ड, नॉइजली, बहुत चिल्ला चिल्ला के तेज़ी से चलना, तो ये तो गिरने का मतलब नहीं है इससे कोई। ऑप्शन 4 जो है स्टीयर्ड, तो गाइड करना किसी चीज़ को, आप स्टीयरिंग चलाते हैं ना गाड़ी का, तो किसी चीज़ को आगे के लिए मूवमेंट के लिए गाइड करना, तो ये भी सूटेबल ऑप्शन नहीं है। तो आदमी का बैलेंस लूज हुआ या वो ट्रिप कर गया तब वो यहाँ गिर सकता है, तो उसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, स्टम्बल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा एरर से है, आपको एरर देखना है फॉलोइंग सेंटेंसेस में से किस पार्ट में एरर है। दे इन्वाइटेड जया एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 दे इन्वाइटेड जया एंड आई, ऑप्शन 2 टू द फंक्शन, ऑप्शन 3 टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, ऑप्शन 4 नो एरर। पढ़ते हैं सेंटेंस को कायदे से, दे इन्वाइटेड जया एंड आई। तो आप एक चीज़ सोचिए कि अगर मुझे एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा तो क्या आई शब्द का प्रयोग होता है या मी का प्रयोग होता है? आपने कभी देखा है दे इन्वाइटेड मी, दे कॉल्ड मी, दे कॉल्ड आई तो होता नहीं है, दे कॉल्ड मी या ही कॉल्ड मी ऑन फोन, तो मी होता है अगर आप ऑब्जेक्ट में यूज होता है। आई कॉल्ड हिम होता तो मैं फर्स्ट प्लेस पर लगा होता सब्जेक्ट के तौर पर, तब मेरा आई लग जाता। अगर मैं ऑब्जेक्ट के तौर पर लगा हूँ तो वो आई की जगह मी हो जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर जो पहला पार्ट है दे इन्वाइटेड जया एंड आई की जगह दे इन्वाइटेड जया एंड मी, स्टार्टिंग में ये सेंटेंस गलत है। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन 1 दे इन्वाइटेड जया एंड आई, ये जो गलत है पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज स्लैश idiom द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। यहाँ पर स्टोल द शो हाईलाइटेड पार्ट है सेंटेंस में। इस मुहावरे का आपको मीनिंग ढूंढना है ऑप्शंस में से। सेंटेंस क्या है कि छोटी सी बच्ची थी, उसने अपनी परफॉर्मेंस जो बिल्कुल भी जिसमें त्रुटि नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, पूरे स्टेज को हिला दिया। ये आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं इसमें कि भाई इसमें फ्लॉलेस परफॉर्मेंस है कि कोई गलती नहीं है छोटी सी बच्ची ने, तो जाहिर सी बात है कि उसने तहलका मचा दिया होगा स्टेज पर, लोग बहुत खुश हुए होंगे ऑडियंस में। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। डिसअपियर्ड फ्रॉम द शो ऑप्शन 1, शो से गायब हो गई, नहीं सूटेबल ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन 2 क्रैप्ड इनटू द शो, शो में दबे पाई, ये भी ऑप्शन सूटेबल नहीं है। स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो, शो से कुछ चुरा ली गई, ये भी सूटेबल नहीं है। ऑप्शन 4 वन एवरीबडीज प्रेज, हाँ एक दूसरे की तारीफें हैं, जितने भी लोग थे सभी की तारीफें बटोरना, तो ये यहाँ सूटेबल ऑप्शन है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल आर्टिकल, वी वर वॉचिंग ब्लैंक स्पेस न्यूज ऑन BBC लास्ट इवनिंग। खाली जगह में आपको आर्टिकल जो ए एन डी होते हैं वो भरने हैं। हम लोग कल शाम को BBC पर न्यूज़ देख रहे थे, तो न्यूज़ के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या इनमें से कुछ नहीं लगेगा, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। जान लेते हैं आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। एक कभी ये पूछ लेते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं। इनडेफिनेट यानी अनिश्चित आर्टिकल जो होते हैं वो होते हैं ए और एन, क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के साथ लगते हैं। और निश्चित आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो होता है द, THE, ये हमेशा याद रखें आप, ये निश्चित नाउन के साथ लगता है। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ आई वेंट टू मीट द टीचर, तो यहाँ पर टीचर स्पेसिफिक है, अंडरस्टूड है कि हमारी क्लास की टीचर से मिलने जा रहा हूँ, आई वेंट टू मीट द टीचर। अगर मैं ये कहता कि आई वेंट टू मीट ए टीचर, तो यहाँ क्या होता, आई वेंट टू मीट ए टीचर में जो ए लगा दिया मैंने, इसका मतलब है कि कोई भी टीचर, मैं किसी स्कूल में गया, किसी रैंडम स्कूल में मैं किसी एक टीचर से मिलाया, तो मैं यहाँ ए यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन दा कर दिया तो मतलब मैं उसे जानता हूँ या पहले आपको उसके बारे में बता चुका हूँ। इसी तरीके से हम दा का प्रयोग कब करते हैं, जो डेफिनेट आर्टिकल है, पर्वत हो गए, नदी हो गई, सागर हो गई, द्वीप समूह हो गए, जो फेमस बिल्डिंग्स के नाम जैसे ताजमहल हो गया, दिशाएं हो गई, द ईस्ट द वेस्ट, धार्मिक पुस्तकें हो गई, तो ऑल और बोथ के बाद, तो ऑल द बुक्स, तो ये ऑल के बाद दा लगाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो पर्वत शिखर होते हैं उनसे पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है उससे पहले हम दा नहीं लगाएंगे, लेकिन हिमालयाज से पहले हम दा लगाएंगे क्योंकि वो पर्वत है, वो पर्वत शिखर नहीं है। इसीलिए तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है न्यूज़,
तो न्यूज़ एक स्पेसिफिक न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ स्पेसिफिक है, निश्चित है, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यानी द का प्रयोग होगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन टू, टी एच ई द। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम दोज प्रोवाइडेड। इट टुक अस ब्लैंक स्पेस 5 आवर्स टू रीच द एयरपोर्ट। ऑप्शन वन नियरली, ऑप्शन टू ऑलवेज, ऑप्शन थ्री इनफ, ऑप्शन फोर नन ऑफ दीज। यहाँ बोल रहे हैं कि ब्लैंक स्पेस में सुटेबल एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण आपको भरना है। हमें एयरपोर्ट पहुंचने में 5 घंटे लगे, यानी कि घटना हो चुकी है, पास्ट टेंस की है और हमें पता है कि लगभग लगे होंगे। अब देखते हैं सूटेबल क्या है। नियरली 5 आवर्स, लगभग 5 घंटे लगे, हाँ कुछ कुछ छूट कर रहा है। ऑलवेज 5 आवर्स, तो ऑलवेज हम कैसे कह सकते हैं कि हमेशा 5 घंटे लगते हैं, नहीं कह सकते पहुँचने में। एनफ 5 आवर्स तो सूट कर ही नहीं रहा कैसे भी, और नन ऑफ दीज तो मतलब ही नहीं है। तो जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा, इट टुक अस नियरली 5 आवर्स टू रीच द एयरपोर्ट, हमें लगभग 5 घंटे लगे एयरपोर्ट पहुँचने में। सही ऑप्शन ऑप्शन वन, नियरली। आते हैं पार्ट वन के अंतिम सवाल 75th क्वेश्चन पे। चूज द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, वी हैव बीन लिविंग हियर ब्लैंक स्पेस 6 मंथ्स। यहाँ अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन भरनी है ब्लैंक स्पेस में, और जो सेंटेंस दिया है वो दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, वी हैव बीन लिविंग हियर, खाली जगह 6 मंथ्स, हम यहाँ 6 माह से रह रहे हैं। ऑप्शंस, ऑप्शन वन एवर, ऑप्शन टू एट, ऑप्शन थ्री सिंस, ऑप्शन फोर फॉर। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जो काम होता है वो पास्ट से स्टार्ट होता है इसमें और प्रेजेंट तक चलता रहता है या रिसेंटली खत्म हुआ होता है। तो सिंस या फॉर का प्रयोग हम यहाँ करते हैं समय बताने के लिए। तो जो पहला ऑप्शन है एवर और सेकेंड ऑप्शन है एट, ये हट गए हैं बिल्कुल, इनको जरूरत नहीं है चेक करने की। ऑप्शन थर्ड है सिंस, ऑप्शन फोर है फॉर। मैं आपको बता दूं इसकी आंसर की मैं 2015 पेपर की मैं ये आंसर गलत दिया हुआ था, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ सही आंसर। इसमें जो आंसर दिया हुआ था वो दिया हुआ था सिंस, जो कि गलत आंसर था। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर फॉर, ऑप्शन फोर। मैं बता देता हूँ सिंस का प्रयोग कब करते हैं, फॉर का प्रयोग कब करते हैं। जो फॉर होता है वो जनरल पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि फॉर 3 डेज, फॉर अ वीक, ये स्पेसिफिक टाइम नहीं है, फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर द सेंचुरीज। तो सिंस का प्रयोग करते हैं, तो सिंस इज यूज फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट, ए स्पेसिफिक टाइम। जैसे सिंस मंडे बोल रहा हूँ तो मंडे स्पेसिफिक है, मुझे पता है एग्जैक्ट मंडे से। सिंस 1997, सिंस 2 ईयर्स नहीं हो सकता, फॉर 2 ईयर्स होता अगर मैंने 1997 मेंशन कर दिया, तो सिंस 1997, सिंस द लास्ट वॉर, सिंस द डे वी मेट, तो स्पेसिफिक डे था। तो ये सिंस और फॉर के ऑप्शन आपको पता चल चुके हैं, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा 6 मंथ से पहले, स्पेसिफिक टाइम नहीं है यहाँ पर, एक जनरल टाइम है। ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर, फॉर। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश इज ओवर एंड वेरी सून वी विल कम बैक विद द लास्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश सीरीज। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश के प्रीवियस पेपर्स देखकर आपको समझ आ गया होगा कि यूपी टेट जैसे बोलते हैं कि सी टेट पैटर्न पर क्वेश्चन बनाएंगे, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अनसीन पैसेज और पेडागोजी को अपने पेपर में शामिल नहीं करते। 2015 एग्जाम में भी शामिल नहीं किया, 2016 में भी नहीं किया, और 2017 में भी मुश्किल ही है कि वो सी टेट पैटर्न को फॉलो कर पाएँ। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि 9th और 10th की बुक्स से आप ऑथर्स फेमस याद करते रहिए। मैं आने वाली सीरीज़ में और वीडियोज़ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बुक्स बताने वाला हूँ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।